मार्केट गई थी और ये सामान लेके आई, अभी रखा भी नहीं है मैंने। दाल, छोले, चावल और बूंदी, रायता बूंदी, पोवे और आटा का बैग। पैन खत्म हो गए थे तो पैन लेके आई, तो अब मैं कुछ बना रही हूँ कुछ अलग सा, तो आपको मैं दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ। मैंने बनाया था गोभी के परांठे, वो ये पेस्ट बच गया है, तो मैं सोची कुछ बनाती हूँ अलग से। बच्चे बोल रहे हैं मम्मी अब मत बनाना, कुछ और बना ले। बोल ठीक है, तो एक बार तो मैं सोच लिया दाल रोटी बना देती हूँ। बच्चे बोल नहीं मम्मी ये पेस्ट बचा है इसी का ही कुछ बनाओ। मैं बोल ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैंने प्याज प्याज ऐड करी है और कुछ नहीं किया। ये बस जैसा था सुबह का वैसा की वैसा है, और प्याज ऐड कर दी है और मैंने आटा लगा लिया है मैदा का। और मैं बना पेस्ट का मैं बना रही हूँ मोमोज। अब देखते हैं बहुत अच्छे बने, क्योंकि मोमोज तो मैंने बहुत बार ट्राई कर लिए, बहुत बार। गोवा में भी बनाए थे, बॉम्बे में थी जब भी मैंने बनाए थे, और गुड़गांव में आने के बाद में कई बार बना चुकी हूँ मोमोज। तो आज ये पेस्ट बचा है तो फिर मैं आज भी बना लेते हैं मोमोज। दिखाऊं मैं आपको कैसे बनाती हूँ मोमोज, और आप भी जरूर बनाना। गैस मैंने चालू कर ली है, और गैस के ऊपर कढ़ाइया है, कढ़ाइये के ऊपर पानी है, नीचे पानी 1 गिलास पानी है, दिख रहा होगा ना, हिलाना थोड़ा सा। और इसमें ये स्टैंड रखूंगी, और स्टैंड के ऊपर ये जाली रखूंगी जो मैं दूध ढकती हूँ ये वाली, और इसको ढक देंगे, इसमें भाप इकट्ठी हो जाएगी, फिर इसमें हम मोमोज बना के रखेंगे, उससे बनाने में आसानी रहेगी। तो करते हैं, ये अब ढक देती हूँ और मंदी गैस में ही गैस को चलने देती हूँ, तेज करूंगी, जल्दी ज्यादा उबल जाएगा पानी। तो और मैंने यहाँ से टांडना बिल्कुल साफ कर ली है, क्लीन कर लिया है, और आटा लेके ये इस पे बनाएंगे। मैंने रोटी बना ली है, इसकी सूखा चून लगा के बना लेना। और हम छोटी छोटी लोई सी बना के भी बना सकते हैं अलग से, पूरी पूरी, फिर उसमें ना पूरी टाइम लगती है, तो इसलिए मैंने ये रोटी पूरी बनाने के बाद अपने ग्लास से कटिंग कर लूंगी और फटाफट हो जाएगा। एक-एक करेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। ये बड़ी घट गई है, थोड़ा सा बेलन लगाना ही पड़ेगा इसे कटने के बाद। ये जल्दी बनाने का तरीका है, एक लंबी सी रोटी बनाइए और फटाफट काटिए, और काटने के बाद फटाफट रखो इस पे मसाला, इसका पेस्ट, और फिर बराबर फटाफट बना देंगे हम। बेसन का आपको सॉरी आपको पता ही है मैदा बढ़ के फिर घट जाता है। अगली बार इससे थोड़े बड़े बनाऊंगी। ये है ऐसे ऐसे छोटे ज्यादा बन गए था। इसी तरह हम एक एक करके हम बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसे राउंड करने के लिए, ऐसे हल्की हल्की पलेटी से डालेंगे, आटे में पलेट डालते रहेंगे, घुमाते रहेंगे, और ये बनता चला जाएगा। देखो दिख गया ना, अभी कम दिख रहा, जैसे ये बन जाएगा रेडी हो जाएगा ना,
तब अच्छे से दिखेगा। अब हम बनाएंगे कटोरी से, क्योंकि गिलास है ना थोड़े छोटे बने हैं, दिख रहा है ना आपको। अब कटोरी से कटिंग करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बनेगा। हम चाहते हैं ये पेस्ट ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर जाए, मोमोज के अंदर। एक रोटी में ये तीन इंच ली है, इसमें अच्छे से भरेंगे। उसमें कम भी भरा गया है, तो छोटी पूरी थी ना इसलिए, ये बड़ी है अच्छे से भरेंगे। मजा तो तभी आएगा जब ज्यादा से ज्यादा भरेंगे। और ये जब तक पानी के अंदर रख देते हैं कढ़ैया में, भाप बन चुकी है, गर्म पानी हो चुका है, इसमें हम फटाफट रख। ये मैंने रख दिया है और इसको ढक देंगे। जब तक ये बनेंगे जब तक चार पांच मैं रेडी कर लेती हूँ। अब देखो ज्यादा से ज्यादा भरा है मैंने ये, इसको हम बना लेते हैं उठाने से पहले, कि उठाने से ना सुगड़ जाता है आटा। नहीं तो खांचा भी आता है इसको मोमोज बनाने का। ये सही है ना, ये मोटा बना, देखो देखने भी लग रहा है। बनाते हैं इसी तरीके से, ये वाला सबसे बेस्ट है, वो ज्यादा छोटा हो गया था गिलास का, एक कटोरी का सबसे अच्छा रहेगा। ये मोमोज बन चुके हैं, ये थोड़ा सा ये नरम नहीं पड़ा, ये से बिल्कुल नरम हो गया है, ये बन के रेडी हो गया है। इसको निकाल लेते हैं और दूसरा रखेंगे। ये 3 मिनट बीच में रखे थे, ये अभी बने नहीं है, इसको हम बाद में निकालेंगे। और देखो मैंने किस तरीके से और बना दिए, ये हर तरह में बना दिया मैंने, राउंड में भी बनाया है, ये वाला भी बनाया है, ये वाले भी बनाए मैंने, दिख रहा है ना। मोमोज हर तरीके से आते हैं मुझे, कैसे भी बनवा लो। ये वाले भी ज्यादा मुश्किल नहीं है बनाना, मैं बता देती हूँ आपको, दिख रहा है आपको, ये बहुत उल्टा पड़ रहा है। इसको हमने ऐसे करेंगे, ऐसे करने के बाद हम यहां से शुरुआत करेंगे, इसको अंदर लगा के इसमें भी छोटी छोटी प्लेट डालते चले जाएंगे, जो कि आपस में ये जुड़ जाए, अलग अलग ना हो, ऐसे ही। देखो बनिए ना, राउंड से ज्यादा आसान है ये, उठाने की जरूरत नहीं पड़ती इसको, राउंड वाले में उठाना पड़ता है फिर बनाना पड़ता है। कितना प्यारा बना है। और आपको एक तरीका और बता देती हूँ, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे करना है, ये साइड से दबा देंगे, अगर आपको कोई तरीका नहीं आता है तो इससे हम दबा देंगे, जैसे भुजी बनाते हैं ना वैसे ही ये बन जाएगा। देख ये बिल्कुल आसान है, ये वाला सबसे बेस्ट लगा मेरा। ये थोड़ा सा आटा बचा है, बस इसको बना लेते हैं। मोमोज बन के रेडी हो गए हैं, आपके सामने मैं तोड़ के दिखा देती हूँ। देखो कितना टेस्टी बनेगा, खाने में कितना अच्छा होगा। और मैं अलग से चटनी नहीं बना रही क्योंकि मेरे बच्चे मिर्च कम खाते हैं, तो इसलिए सॉस और मेयोनीज के साथ खाएंगे।
एक नंबर का है और मैंने टेस्ट कर लिया, बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है। आप भी जरूर बना के खाना, और फौजी को ना बहुत ज्यादा पसंद है ये। तो फौजी यहाँ पे है नहीं, तो हम वीडियो कॉल करेंगे फौजी के पास और दिखाएंगे हमने मोमोज खाया है, तो बोलेंगे मेरे पीछे पीछे मोमोज खा रहे हो। उसको ना बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत घर के तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। जब भी मैं बनाती हूँ ना, पूरी बड़ी गोभी का बनाती हूँ, तो एक तो फिर भी हमने थोड़ा ही बनाया है क्योंकि हमारा वेस्ट बचा हुआ उसी का ही बनाया मैंने। तो ये बच्चों को देखती हूँ गर्म गर्म, और बनने के लिए रख दिया है मैंने, चार मेरे बाहर भी रह गए हैं, तो खाते हैं बच्चे गर्म गर्म मोमोज खा रहे हैं हम। नीचे रख दे। दिखा पापा, पापा को दिखा पहले। हम्म, पापा को दिखा।